खासकर दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से ऋषि जो बनते हैं वो कृष्णा बनते हैं और लक्ष्मी हुई राधा बनती है, लेकिन इन दोनों के खिलाफ साजिश होने जा रही है, वो भी मलिष्का करती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि मलिष्का देखेगी कि किस तरीके से ऋषि आखिर पूरी तरीके से लक्ष्मी के हो चुके हैं, लेकिन मलिष्का ने बोल दिया है कि मैं हार नहीं मान सकती क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड सोनल है और सोनल मुझे जो कि ऋषि को दिवाकर ही रहेगी। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में जोरदार ट्विस्ट, जोरदार धमाका देखने को मिल रहा है, क्योंकि बात की जाए ऋषि की तो ऋषि ओबेरॉय इस समय पूरी तरीका से जो कि लक्ष्मी के ख्वाबों में खोए हुए हैं, क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे को, चाहे इनका डिवोर्स बेशक हो गया हो, लेकिन आज भी एक दूसरे को वो हस्बैंड वाइफ की तरह ही मानते हैं और एक दूसरे पर हक भी है। वहीं बात की जाए तो आयुष ने बहुत ही प्लानिंग के साथ में बहुत अच्छी तरीक़ा से किया है, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी भांग मिला दी थी शरबत में ऋषि के में, ताकि ऋषि किसी भी तरीक़ा से लक्ष्मी से अपने प्यार का इजहार कर सके। और वाकई में दोस्तों क्या भी बिल्कुल वैसा ही है, इस समय आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में नया ट्विस्ट और देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से, बात की जाए ऋषि की तो ऋषि इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार ये होगा क्या। जी हाँ, क्योंकि मलिष्का लगातार ऋषि की मॉम नीलम को भड़का रही है, वो भी लक्ष्मी के खिलाफ। हालांकि ऋषि ने पहले ही बोल दिया है मलिष्का से कि मलिष्का जितना हो सके अब मेरे परिवार से तुम दूर रहने की कोशिश करो, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें एक अच्छी दोस्त मानता था, अगर तुम मेरी लाइफ में जहर घोल रही हो तो तुम मेरी किस चीज़ की दोस्त रह गई, क्योंकि तुम मेरी लाइफ से दूर रहोगे तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा रहेगा और मेरा भी फ़ायदा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइज, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।